अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज कुकिंग कर रही हैं मेरी मामा, और मेरी मामा बना रही हैं चिकन जलफ्रेजी। आज मैं फ्री हूँ, मैं जस्ट कैप्चर करूँगी और मामा खाना बनाएंगी। और ये स्टॉलर जौन सा है, ये मेरी सिस्टर ने मेरे पास भेजा है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा स्टॉलर भेजा है मेरी सिस्टर ने, थैंक यू सो मच। तो चलें चलते हैं अपने किचन में। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी अपने मम्मा और अब्बू के लिए, तो जस्ट और अपने लिए और हाफ के लिए मैं एग बॉईल कर रही थी। और चाय दम की, चाय हम लोग सेपरेट पीते हैं, तो चाय दम करके तो बस मैं ब्रेकफास्ट रेडी किया। और मैं ब्रेकफास्ट में मम्मा लेती हैं जस्ट वन स्लाइस पीनट बटर एंड जैम, अब्बू लेते हैं वन एग एंड वन स्लाइस। तो मम्मा मेरी एग नहीं खाती, उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर का इशू है इस वजह से। तो बस मैं अब्बू को जौन सा है फिर रूम से बुलाने के लिए गई कि आप आ जाएं, आप ब्रेकफास्ट रेडी है। अब्बू और मम्मा थोड़े केयरलेस हैं खाने के मामले में बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं उन्हें बाय फोर्स जो है फिर वो खिलाती हूँ। तो एक दो दिन जो है वो मैंने कहा कि आप क्या खाएंगे, मैं बना के ले आऊँ ब्रेकफास्ट, तो कहते हैं नो नहीं खाना। अब मैं दूसरा दिन मैं नहीं पूछती, क्योंकि मैं पूछती हूँ तो वो कहते हैं नो मैंने कुछ नहीं खाना। तो अब मैं ऐसा नहीं करती, मैं बना के ले आती हूँ और हाथ पकड़ के ला के बिठा देती हूँ कि ब्रेकफास्ट है आप खाएं, मैं चाय बना लाती हूँ। तो बस यहाँ पर अब हम लंच रेडी कर रहे थे। मेरे पास है चिकन और बोनलेस चिकन है, शिमला है मेरे पास, कैप्सिकम थ्री कलर्स की, ग्रीन कोरिएंडर है, टोमेटो है और पोटैटो है, टू बिग साइज अनियन है, लेमन है और गार्लिक है, जिंजर है। तो चिकन जौन सा है वो मैंने फाइनली मतलब लार्ज साइज़ में आप कट कर लें, और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको आप किसी एक शेप में कट करें, या चौरस कट करें या आप लंबाई की शेप में कट करें। तो हमने लंबे लंबे जौन से थे वो कट कर लिए थे सारी वेजिटेबल्स, अनियन भी, कैरेट भी, और कैरेट को हमने बॉईल कर लिया था। पोटैटोज़ हैं हमारे पास, उनको पोटैटोज़ को भी हम बॉईल कर लेंगे। और टोमेटोज़ हैं, टू टोमेटोज़ जौन से हैं वो हम ऐसे कट करके डालेंगे और वन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो अनियन जौन से हैं वो यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख दिए थे मामा ने, ये रेसिपी मामा की है, मैं जस्ट रिकॉर्ड कर रही थी। और पोटैटोज भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जब आपके अनियंस जो हैं वो ब्राउन हो जाएं तो आप उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें, और मैं क्योंकि ऑलरेडी पेस्ट बना के रख देती हूँ तो जस्ट उठाया था और डाल दिया था। और यहाँ पर हमने वन टोमेटो पेस्ट इसमें ऐड किया था, वन टोमेटो हमने सॉरी टू टोमेटोज जौन से हैं वो हमने कट करके डाले थे एंड में, और एक टमाटो का हमने पेस्ट ऐड किया था। और यहाँ पर हमारे आलू भी हैं, वो भी हमने बिग साइज़ में कट करने हैं। आपने पील ऑफ नहीं करना, पील ऑफ आप उनको एंड में करेंगे। तो यहाँ रुहाब की राइस भी रेडी थे और आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और जो है चिकन का मसाला वो भी रेडी हो रहा था साथ साथ। तो मामा ने प्याज ब्राउन करने के बाद उसमें गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, टमाटो ऐड किए थे, एंड अब इसमें जौन से सारे स्पाइसेस आप ऐड करेंगे। एक चम्मच आप साल्ट ऐड करें, वन टेबल स्पून आप इसमें टर्मिक पाउडर ऐड करें हाफ टेबल स्पून, एंड वन टेबल स्पून आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और सूखा धनिया ऐड करें, गरम मसाला ऐड करें, चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करें, सारे स्पाइसेस आप इसमें ऐड करें और उनको अच्छे से आप भून लें। तब तक आपने इसको भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल अच्छी तरीके से पास ना हो जाए। जब ऑयल पास होने लगेगा फिर आप उसमें जो आपका चिकन है फिर आप उसमें वो ऐड करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी ग्रेवी होगी ना उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। ये देखें, ये यहाँ पर जो है जो ग्रेवी है वो अच्छी सी बन चुकी है और इसका ऑयल जौन से है वो पास हो रहा है। तो अब इसमें जौन से हम चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन आपने बिग साइज़ में बोनलेस आप ले लें चिकन, और उसको बिग साइज़ में आप कट कर लें। तो मेरे पास 1 kg चिकन है, उसको हमने कट कर लिया था अच्छे से, और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि स्पाइसेस हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं उनको अच्छी, और अब हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद फिर यहाँ पर आप इसमें ऐड करेंगे अब अपनी जो बॉयल कैरेट है, आप इसमें कैरेट ऐड करें, पोटैटोज़ ऐड करेंगे। ये बिल्कुल आपने उस टाइम ऐड करना है जिस टाइम आप डिश आउट करने लगेंगे, क्योंकि हर चीज़ आपकी ऑलरेडी बनी हुई है और आपने उसी टाइम ही इसमें ऐड करना है जिस टाइम आप लोग डिश आउट करने लगे। तो सब चीज़ें आपने जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं वो सब आप एंड में ऐड करेंगे। ये मेरे पास थ्री कलर्स की कैप्सिकम्स हैं, कोरिएंडर है, और थोड़ा सा हमने पुदीना लिया था, रेड ग्रीन चिलीज ली थी हमने, वो सब चीज़ें आप इसमें ऐड करें और इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है आपने। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना अपनी वेजिटेबल्स को, वरना उनका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा।
ये देखिए किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत यमी और डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा जो है वो कलरफुल लग रहा है, और ये खाने में भी इतना ही उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बता तो इसमें आप जस्ट 1 लेमन जूस ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लें हल्के हाथ से, बट आपने मिक्स करना है। तो और इसमें अब हम ऐड करेंगे एंड में केचप, तो हम थोड़ी सी इसमें केचप ऐड की थी, और केचप ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा मिक्स करें और उसको आप डिश आउट कर लें। तो एंड में ही आप ये वेजिटेबल्स ऐड करें, जिस टाइम बिल्कुल सब खाने के लिए रेड टेबल पर हों, तो आप फिर आप इसमें जल्दी जल्दी से इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करें, ऐड करके आप इसको डिश आउट करें, तो बड़ा ही जो है वो यमी और डिलीशियस लगता है, बहुत ही यमी सा लगता है। तो हमने रोटी, मैंने साथ में रोटी बना ली थी, बस मामा ने खाना बनाया था और मैंने रोटी बना रही थी, और साथ था जूस। तो इस खाना खाने के बाद फिर हमने खाई आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और ये था जनाब आज का व्लॉग, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ आप लोगों के साथ मिलती रहूँगी। मुझे दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।